बिस्मान रहीम फ्रेंड्स टुडे आई विल डिस्कस दिस फेमस बुक दी कंकेस्ट ऑफ़ हैप्पीनेस बाय आथर्ड रसल बहुत मशहूर किताब है बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाने वाली किताब है आज इस किताब से जो मेरी रिफ्लेक्शन हैं मैंने इस किताब को बहुत डिटेल में पढ़ा और बहुत इसको ऑब्जर्व करके पढ़ा है जो मेरे लेसन लर्नड हैं मैं वो आपसे शेयर करने वाला हूं आई हैव समराइज द रिफ्लेक्शंस फ्रॉम दिस बुक इन दिस वीडियो लेक्चर सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस बन रेसल ही वॉज ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन लॉजिशियन फिलॉसफर एंड हिस्टोरियन वन ऑफ द लीडिंग अपोनेट्स ऑफ world war 1 israel's aggression against the middle east and the us genocide in vietnam he made a cameo appearance in indian movie aman and he was committed to non violence he was subjected to six month imprisonment for publicly lecturing against the us interference in the affairs of the uk and he was awarded with Nobel Prize for Literature in 1950 for humanitarian ideals and freedom of thought. He was outspoken proponent of nuclear disarmament, and he was author of more than 60 books. यहाँ से इस बंदे के माइंड की फर्टिलिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसने अपने लाइफ स्पैन में साठ किताबों से जायद किताबें लिखी चंद एक मशहूर किताबों के नाम आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं इसकी मशहूर किताबों में द प्रॉब्लम ऑफ फिलासफी प्रिंसिपी ऑफ मैथमेटिक का वाई मैन फाइट द ऑफ माइंड द ऑफ रिलेटिविटी द कंकेस्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड अनपॉपुलर एसेस तो so, दोस्तों मैं ये बता दूं आपको कि वही आर आल्सो ऑफरिंग एन ऑनलाइन कोर्स फॉर फॉलोइंग इंग्लिश प्रेमर एंड इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन एंड एसे राइटिंग एंड दिस कोर्स हैज़ द फीचर्स ऑफ मॉक टेस्क एंड इंडिविजुअलाइज्ड फीडबैक सो यू कैन रजिस्टर फॉर दिस कोर्स बाय कंटेक्टिंग दिस नंबर नाउ कमिंग टू दी book the conquest of happiness it was first published in 1930 and it appeals to the common sense it gives easy to understand way, uh, ways of coping with unhappiness and attaining happiness it is a mandatory read for those who wish to conquer happiness but also for those who want to understand the mental processes बिहाइंड अनहैपीनेस एंड हैप्पीनेस नाउ कमिंग टू दंटेंट्स दो पार्ट्स हैं पहले पार्ट में वो डिस्कस करता है काजेस ऑफ अनहैप्पीनेस जिसमें नाइन चैप्टर्स हैं दूसरे पार्ट में वो डिस्कस करता है काजेज ऑफ हैपीनेस जिसके आठ चैप्टर्स हैं नाउ कमिंग टू द्री फेज कंटेंट ऑफ द बुक इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस

ये आपकी झोली में गिरने वाला फल नहीं है इसके लिए आपको वेल डायरेक्टेड एफर्ट्स करनी होंगी नाव कमिंग टू पार्ट वन काप्पीनेस चैप्टर नंबर वन है वट मेक्स पीपल अनहैप्पी राइटर ये कहता है कि ना खुश होने की बहुत बड़ी वजह अपने आप में महव रहना अपने आप में गुम रहना अपने आप में जजब रहना सेल्फ़ ऑफ़र्पेशन है तीन तरह की सिचुएशन को बयान करता है जिसमें एक इंसान सेल्फ अब्जर्बेशन का शिकार होता है पहला सूरत है सेंस ऑफ सिन गुनाह का एहसास एक बंदा जो गुनाह के एहसास के साथ अंदर रहता है ये भी सेल्फ़ ऑफ़र्पन की एक किस्म है और ऐसा बंदा भी खुशी हासिल नहीं कर सकता दूसरी सूरत है नारसिजम जिसको कहते हैं नरगसीत या खुद पसंदी इस इस सूरत में भी एक, एक इंसान अपने आप में महव रहता है और वो खुशी से दूर हो जाता है तीसरी सिचुएशन है मेगाल ये एक अनयूजल डिजायर फॉर पावर है एक इंसान जो पावर हैंगरी है वो भी सेल्फ आब्जर्बशन का शिकार हो जाता है लिहाजा जो लेसन लर्न है क्योंकि इस लेक्चर में फोकस करूंगा कि क्या रिफ्लेक्शन क्या है क्या लेसन क्या लर्न करना है हमने लेसन ये है कि आपको अपनी तवज्जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स पे एक्सटर्नल हॉबीज पे देनी होगी अपने अंदर से बाहर निकलना होगा अपना मरकज और मेहर बाहर की दुनिया को बनाना होगा आपके अंदर जो है आपने अपने अंदर गुम नहीं रहना अपने अपनी खुशियों को अपनी तवज्जो को और अपने मरकज को अपने जिसम से बाहर रखें एक्सटर्नल चीज़ों पर तो समय अंट्रीब्यूट देयर अनहैपीनेस टू देर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ एंड यूनिवर्स अनहैपीनेस फॉर वेवर रीजन इज मिजरी एंड कैन नॉट बी अप्रीशेड अच्छा यहाँ पे वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट देता है कि बहुत सारे सो कॉल्ड वाइज पर्सन इंटलेक्चुअल फ़खर महसूस करते हैं अपने अनहैपीनेस के अंदर वो अपने आप को नाखुश जहर करके फखरिया तौर पे अपने आप को सुपीरियर शो करने की कोशिश करते हैं और वो ये कहते हैं कि चूंकि उनका इल्म और उनका अंडरस्टैंडिंग दुनिया और इस कायनात के बारे में बाकीों से ज़्यादा है लिहाजा वो मायूस हो गए हैं या वो नाखुश हैं तो यहाँ पे बट ये कहता है कि चाहे जो भी वजह हो ना खुशी की ना खुशी जो है एक मिजरी है और इसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए अच्छा फिर वो बात करता है कि खुशी के जो तीन बेसिक अजसा हैं वो है खाश दूसरी है जद्दोजहद जो तीसरी है कि किस किसी कोई मकसद होना चाहिए जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो ये है इन्ग्रीडियंट्स ऑफ हैपीनेस फिर वो चूंकि इसमें बात ये कर रहा है कि ना खुश रहने की क्या वजूहत हैं अनहैप्पीनेस की क्या वजूहत हैं तो पहली वजह वो जो बयान करता है वो सेल्फ ऑब्जर्बेशन के बाद कंपटीशन है हम में से अक्सर लोग इसलिए ना खुश रहते हैं कि हम आउटशाइन नहीं कर पाएंगे ये वहन में रखिएगा कि हर बंदा आउटशाइन नहीं कर सकता मेजोरिटी जो है वो आउटशाइन नहीं करती माइनॉरिटी आउटशाइन करती है लिहाजा अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फिर मेजोरिटी नाखुश रहती है सक्सेस इज वन इंग्रेडिएंट ऑफ हैप्पीनेस एंड इज रियरली परचेज बाय सेक्रीफाइसिंग अदर इंग्रेडिएंट्स बहुत खूबसूरत बात ये करता है कि कामयाबी खुशी का एक पार्ट है कामयाबी खुशी के इक्विवेलेंट नहीं है कामयाबी इज जस्ट वन पार्ट ऑफ हैप्पीनेस लिहाजा हम एक पार्ट के लिए बाकी अपनी खुशियों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए एवरी थिंग इज मड एंड कंसिडर्ड एज वर्थ अचीविंग इफ इट कैन बी ट्रांसलेटेड इन टू मनी हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में हर वो चीज़ जिसकी कोई मॉनिटरी वैल्यू है उसी चीज़ को हासिल करना ही हम खुशी समझते हैं जो कि गलत है और फिर वो ये कहता है कि लेयर दैट री स्टोर इज़ कंसिडर्ड एज बोरिंग कि हम मॉडर्न दौर में जब कंपटीशन कर रहे होते हैं तो हम हमारा जो फरागत का वक्त है वो भी हमारे लिए बोहित बन जाता है जो कि गलत है हालांकि हमें लिया टाइम को अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए दूसरे चैप्टर में वो बात करता है बोर्डम एंड एक्साइटमेंट की अच्छा यहाँ पर भी वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करता है कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो बो बोर ज़िंदगी ना गुजारे हालांकि हमें ये एहसास होना चाहिए कि बोरियत ज़िंदगी का एक कुदरती पार्ट है और अगर आप ज़िंदगी में कभी बोर नहीं होते तो आप इसका अपोडेट जिसको हम एक्साइटमेंट बोलते हैं उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते वो कहता है कि अगर आप फर्ज भी कर लें कि जिंदगी में आपकी बोरियत का कोई लमह नहीं है और आपकी सारी जिंदगी एक एक्साइटमेंट पर मुश्तम है तो ऐसी ज़िंदगी आपको जल्द थका देगी हमें खुद भी और अपने बच्चों को भी आर्ट ऑफ हैंडलिंग बोर्डिंग आर्ट ऑफ हैंडलिंग बोर्डम सिखाना चाहिए हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि आपने बोरीत के लम्हा से कैसे गुजरना है फिर वो ये बात करता है कि ऑल ग्रेट बुक्स कंटेन बोरिंग पोर्शन एंड ऑल ग्रेट लाइफ हैव कंटेन्ड अन इंटरेस्टिंग स्ट्रेचेस। आप मूवीज देखें अच्छा ये बात जब भी आपको समझ आ जाएगी ये आपकी लाइफ चेंज कर देगी अक्सर हम इसलिए कुछ किताबें पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं कि उसमें कुछ पोर्शन बोरिंग आ जाता है हम उस किताब को पढ़ना बंद कर देते हैं हालांकि एक सारी की सारी किताब बोरिंग भी नहीं होती सारी की सारी किताब इंटरेस्टिंग भी नहीं होती इट कंटेन सम विच आर बोरिंग एंड सम पेज विच आर इंटरेस्टिंग इसी तरह यही हाल मूवीज़ का है एक मूवीज़ के अंदर भी एक ड्रामे के अंदर भी बहुत सारे बोरिंग पार्ट हो सकते हैं लेकिन अगर आपको बोर्डम को डील करना आता है तो आप आसानी के साथ उसको गो थ्रू कर जाएंगे इसी तरह हमारी ज़िंदियाँ भी बोरियत और इंटरेस्टिंग लम्हा एक्साइटमेंट दोनों का मजबूा होती हैं हमें ज़िंदगी में बोरियत से निमटना आना चाहिए बोरियत को एक्सेप्ट करना चाहिए और अगर ज़िंदगी में बोरियत ना हो तो हम एक्साइटमेंट को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते पैसे अम्यूज़मेंट्स भी अवेल रेयरली जैसा कि टीवी देखना है जैसा कि नेट सर्फिंग है अगर वो प्रोडक्टिव नहीं है तो आपको पैसे अम्यूज़मेंट से परहेज़ करना चाहिए ये एक लेसन है प्रोडक्टिविटी मे रिजल्ट फ्राम यूटिलाइजिंग दी मोमेंट्स ऑफ बोर्डम इन ए पॉजिटिव वे कि जब आप बोर हो रहे हो तो उस टाइम आप ये सोचें कि आप इन लम्हात में कैसे इन लम्हात को प्रोडक्टिव बना सकते हैं आप अपने बोर लम्हात को कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं प्लेयर्स दैट ब्रिंग अस इन टू कंटैक्ट विद द लाइफ ऑफ अर्थ हैव समथिंग प्रोफाउंडली हैफाइंग अच्छा कौन कौन सी प्लेयर्स हैं जो हमें कंटेक्ट में लाती हैं विद द लाइफ ऑफ अर्थ हर वो चीज़ जो नेचुरल है हर वो हॉबी जो नेचुरल है जैसा कि गार्डनिंग है जैसा कि सपोर्ट्स है जो आपको नेचुरल नेचर के साथ बांधती है वो ऐसी तमाम प्लेयर्स और ऐसी तमाम एक्साइटमेंट्स जो हैं दे आर ट्रूली सेटिसफाइंग बोर्डम ऑफ टूडेज वर्ल्ड इज बिकॉज वी आर सेपरेटेड फ्रॉम लाइफ ऑफ अर्थ हम एक मशीनी ज़िंदगी में आ गए हैं इसलिए हमारी जो बोर्डम है वो इस वजह से है कि हम अपनी नेचुरल लाइफ नहीं गुजारते हम टीवी के सामने बैठ जाते हैं हम आ, हम हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसकी बोरियत की वो बात करता है ए हैप्पी लाइफ मस्ट बी टू ए ग्रेट एक्सटेंट ए क्वाइट लाइफ ज़िंदगी में शोर शराबा धमा चौकड़ी वो कहता है कि हैप्पी लाइफ नहीं है हैप्पी लाइफ जो है खामोश और ठहराव वाली ज़िंदगी जो है वही खुश जिंदगी होती है फिर वो बात करता है फटीक की प्योरली फिज़िकल फटीक विच इज़ नॉट एक्सेसिव इज हेल्दी जैसा कि एक्सरसाइज है जैसा कि आप कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं सपोर्ट्स हैं ये फटीक जिसके बाद आपको अच्छी नींद आए ये हेल्दी है नर्वस फटीक इज मोर कॉमन नाउ डेज़. नर्वस फटीक कैन बी प्रिवेंटेड बाय बेटर फिलासफी ऑफ लाइफ एंड मेंटल डिसिप्लिन रेगुलेट व्हाट एंटर्स योर माइंड आपके जहन में जो सोच आ रही है उसको रेगुलेट करना जरूरी है नेगेटिव थाट्स के ऊपर पाबंदी लगाएं पॉजिटिव थाट्स को एंट्री दें इफ समपलेजेंट हैज हैपन्ड डोंट रिपीट इट इन यूर माइंड जैसे कि किसी ने आपको बुरा भला कह दिया तो आप वो अल्फाज अगर अपने माइंड में दोहराते जाएंगे रात को सोते सोने से पहले तो ऐसा लगेगा जैसे वो बंदा बार बार आपके साथ वो अल्फाज कह रहा जब भी आपके साथ कोई नाखोशगवार वाक्य हो तो उसको अपने माइंड में रिपीट ना करें बल्कि उसका सोलूशन सोचें वंस यू मेक ए थॉट डिसीजन डोंट री थिंक यानी अगर आपने एक दफ़ा फैसला कर लिया है किसी भी सूरत हाल से निमटने का तो फिर दोबारा वो मामला जो है अल्लाह ताला पे छोड़ दें उसके बारे में ना सोचें ये मैं रिफ्लेक्शन बयान कर रहा हूँ इस तरह के अल्फाज तो शायद इस्तेमाल नहीं किए बर्टन रसल ने लेकिन मैं जो बातें कर रहा हूँ इस बुक से इस बुक्स ने जो मेरे माइंड को स्टिमूलट किया और जो मेरी थाट्स आई हैं मैंने उन उन बुक्स उन थाट्स को इस का हिस्सा बनाया है इन डिसन इज़ एग्जास्टिंग एंड फ्यूटाइल कि आपकी फैसला ना करने की सलाहियत बहुत ज्यादा आपको थका देती है और बहुत बुकार बात है कि आप फैसला ना कर पाएं यू शुड टेक अ डिसीजन और यू शुड टेक ए वेल था डिसीजन थिंक दैट नो सकाई इज गोइंग टू फॉल इफ वी फेल आर डू समथिंग बैडली अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो कोई आसमान नहीं गिरने वाला आपको इन नहीं होना चाहिए यू शुड ऑलवेज हैव कैपेसिटी टू डिसाइड दी लेस यू केयर दोर यू परफॉर्म एंड लेस इज़ दर्वस ट्रेन अच्छा ये बड़ी एक प्यारी फ़िलासफ़ी है कि कोई भी काम करते हुए आप फियर या फेलियर देन से निकाल दें और ज़्यादा कॉन्शियस ना हूँ अपनी पूरी एफर्ट करें और उस काम को परफॉर्म करें नेवर थिंक दैट योर वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर वेल बियग अपने काम को अपनी वेल well बियग से इम्पोर्टेंट ना समझें यानी काम को इतनी काम को आप जरूर अपना वो बनाएं अच्छा काम के बारे में भी वो सेपरेट एक चैप्टर में बात करेगा यानी आप अपने अपनी रात के ऊपर अपने काम को तवज्जो ना दें पहले अपनी आपकी जा, रात है फिर आपका काम है मेंटल डिसिप्लिन की बात करता है और उसमें वो ये कहता है कि थिंकिंग राइट थॉट्स एट राइट टाइम जैसा कि अगर आपका एक मसला है जिस जिसने दो महीने बाद आपके लिए परेशानी पैदा करनी है तो उसका उसको आप इतना इस तरह ना सोचें कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसके बारे में आप सोच रहे हों आप हमेशा इकोनॉमिकल रहे माइंड के लिए आप ऐसी सोच को ले आए जो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो हाउ कैन वी यूज आवर अनकॉन्शियस माइंड टू गेट आवर टास्क डन इसके ऊपर भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है कि आपने अपना अनकॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड को अपने प्रॉब्लम्स के हल करने के लिए कैसे यूज करना है एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू राइट ऑन ए टॉपिक थिंक अबाउट इट इंटेंसिवली वेन यू आर डन विद थॉट प्रोसेस गिव आर्डर्स टू यूर माइंड दैट वर्क इज टू प्रोसीड अंडरग्राउंड इन अनकॉन्शियस आफ्टर सम टाइम रिटर्न कॉन्शियसली टू टॉपिक एंड वर्क वुड बी रेडी फॉर यू फियर शुड बी हैंडल्ड बाई थिंकिंग अबाउट इट रैशनली एंड कामली इट हैज़ बिकम कम्प्लीटली फेमेयर अब ये मिसाल के तरह समझाता हूँ कि जिंदगी में कोई भी आपको मसला दरपेश हो या आप किसी टॉपिक पर लिख रहे हैं मुझे ज़िंदगी में कोई और प्रैक्टिकल इशू आपको आ गया जिसका आपको हल नहीं मिल रहा आप एक दफ़ा पुरसकून होकर उसके बारे में सोचें जब आपने उसके तमाम पहलुओं पर गौर कर लिया और आपको सलूशन नहीं मिला तो आप उस काम के बारे में सोचना बंद कर दें और कोई और काम करना शुरू कर दें आफ्टर सम अच्छा उस दौरान आपने उस काम की तरफ दोबारा ध्यान नहीं देना और टेंशन नहीं लेनी कि मैंने कोई मसला पेंडिंग छोड़ा हुआ है आफ्टर सेवन टू एट आवर्स मे बी या आफ्टर ट्वेंटी फोर आवर आप दोबारा उस काम की तरफ वापस आए आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अंडरग्राउंड uh, यानी uh, क्या कहते हैं इसको कि बिहाइंड सीन इसका हल तलाश कर चुका होगा आप बेशक रात किसी मसले के अंदर uh, उसका हल निकालते निकालते सो जाएं या मूवी देखना शुरू कर दें या कोई और काम करना शुरू कर दें तो जो मसला आपने पेंडिंग छोड़ा था आपका माइंड उस उसके ऊपर उसका कोई सोल्यूशन निकाल चुका होगा तो ये बड़ा अच्छा एक टिप है जो जो कि आपको हेल्प करेगी और इसको कहते हैं आप अपने सब कॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करते हैं इसी तरह अगर आपको कोई खौफ है जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रहा है तो उसके बारे में आप सोचें रैशनली सोचें और इतमिन सोचें और जब आप उस बात से फेमिलियर हो जाएंगे जिस चीज़ का खौफ है तो फियर भी अपने प्रोपोर्शन के अंदर रहेगा फिर वो बात करता है एनवाई की इनवाय हम उर्दू में इसको बोलते हैं रश्क लेकिन असल में आथर ने इसको जेल्सी की मीनिंग में लिया है जिसको हसद बोलते हैं तो यहाँ पे इनवाय का मतलब है जेल्सी वन ऑफ लीडिंग कॉलेज ऑफ अनहैपीनेस इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग प्लेयर्स फ्रॉम फ्राम ओन पोजेशन वन ड्राइव पेन फ्रॉम अदर्स पोजेशन वी शुड एडमायर नॉट इन देखें यह सबसे अहम चीज़ है कि हसद ऐसी चीज़ है जो कि आपकी उम्र भी कम करता है और आपकी खुशियों को भी निचोड़ देता है आपकी खुशियों को ख़त्म कर देता है ज़िंदगी में आपको अल्लाह ताला ने जो कुछ भी दे दिया अगर आपकी तबीयत ऐसी है कि आप जेल सी फील करते हैं तो आप कभी खुश नहीं होंगे क्योंकि हमेशा आपको अपने से बेहतर नज़र आएगा किसी के पास आपको कोई ना कोई चीज़ अपने से बेहतर नज़र आएगी और जब आप ऐसा फील करेंगे कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए ये इसके पास क्यों है तो आप खुश नहीं रह सकते तो इससे जो रिफ्लेक्शन मेरे माइंड में आई ये ग्रीन में मैंने रिफ्लेक्शन लिखी है कि यू तो यू शुड शुड प्रे टू अल्लाह अल्लाह हैव स्ट्रांग बिलीफ इन और हमेशा आपको शुक्र गुजार रहना चाहिए इसके ऊपर एक बड़ी मशहूर किताब है रोंडा बैरन की जिसका नाम है दी मैजिक तो शुक्रगुजारी के ऊपर बहुत प्यारी किताब है और एक कुरान पाक की भी आयत है कि तुम जितना शुक्र करोगे मैं तुम्हें उतने ज्यादा दूंगा तो अगर आपकी तबीयत में ग्रेटिट्यूड है तो अल्टीमेटली आप अपने अंदर से इन को आता आस्ता निकाल फेंकेंगे इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट चाहिए हर बंदे के अंदर जेलसी का फैक्टर होता है आप दूसरों से को देख के जेलस होते हैं दूसरों के ऊपर तला की प्लेसिंग देख के जेलस होते हैं तो इसको आप कॉन्शियस एफर्ट से कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कब आप जेलस हो रहे हैं जब भी आपके अंदर जेलसी की फीलिंग आए उसी टाइम आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जो कुछ आपके पास है उसको याद करें कि आपके पास क्या क्या अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और उसका आप फिर शुक्र अदा करें तो एनवाई की फीलिंग ऐसा ऐसा ख़त्म होती जाएगी डोंट थिंक इन टर्म ऑफ कंपेरिजन बी हैप्पी ऑन वट यू हैव एंड वट यू आर इन लार्ज योर हार्ट एज यू हैव इन लार्ज योर माइंड लर्न टू ट्रांसेंड सेल्फ आप अपने आप से बाहर निकलें एक्वायर दी फ्रीडम ऑफ यूनिवर्स ये पूरी कायनत आपके लिए बनाई गई है आप आज़ाद पंछी बने और अपने आप को अपने अपने अंदर से आज़ाद करें अपने अपने अंदर की क़ैद से आज़ाद करें अपने दिल को बड़ा करें और जो कुछ भी आपके पास है और जो कुछ भी आप हैं उसके ऊपर आपको खुश होना चाहिए उसके ऊपर आपको ग्रेटफुल होना चाहिए टू अल्लाह आलमाटी फिर बात करता है दी सेंस ऑफ सिन की ये भी एक लीडिंग काज ऑफ अनहैप्पीनेस है वाइल सीइंग वाइल फीलिंग गिल्ट और रिमोर्स अबाउट एनी सिन थिंक अबाउट इट रैशनली देर आर ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स वी डू इन लाइफ विच आर नॉट टाट टू अस एज अनडिजायरेबल अच्छा वो ये कहता है कि अगर आपको गुनाह का एहसास है तो आप उसके गुनाह के बारे में रैशनली सोचें और उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना लेके जाए देन बात करता है वो परसिक्यूशन मैनिया की ये एक चैप्टर है परसिक्यूशन मैनिया और ये भी आपके ना खुश होने की एक बड़ी वजह है ये एक फीलिंग है कि जो एक इंसान में आ जाती है कि सारी दुनिया ही मेरे खिलाफ है एवरी वन इज मेकिंग इज डूइंग ट्रांसपेरेंसी टू Uh, to, uh, inflict loss on me. Uh, element of persecution mania mania ये एक consciously cure है आप अपने अगर आपको लगता है कि आपके अंदर ये चीज है जिसमें आपको लगा है लगेगा कि दुनिया के सारे लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और सारे लोग आपके खिलाफ कुछ करते रहते हैं तो इस फीलिंग को कहते हैं प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन मैनिया और इसको आप हल कर सकते हैं इसको इसका आप तोड़ निकाल सकते हैं तो बशर्ते कि इसको आप अपने अंदर आइडेंटिफाई करें और फिर कॉन्शियसली इसका हल निकालें फोर इम्पॉर्टेंट मैगजम टू प्रिवेंट प्रोसिक्यूशन मैनिया Remember दैट your motives are not always as altruistic as they seem to yourself. के Then, वो ये कहता है कि डोंट ओवर एस्टिमेट यूर ओन मैरिट्स आप ये समझते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो किसी अच्छे परपज के लिए कर रहे हैं हालांकि ऐसा नहीं होता रिमेंबर मोटिव आर दे सेम टू योर सेल्फ आप बहुत सारी जगहों पर यह समझते हैं कि मैं ये काम पब्लिक की फलाह के लिए कर रहा हूँ या मेरा इसमें कोई जाती मफाद नहीं है हालांकि वहां पर भी आपका जारी मफाद होता है जैसा कि एक सियासतदान जो है एक पॉलिटिशन ये समझता है कि वो आवाम की बहुत खदमत कर रहा है हालांकि उसके पीछे उसकी अपनी एक ईगो या उसकी अपनी डिजायर फॉर पावर होती है डोंट ओवर एस्टीमेट योर ओन मेरिट्स हम बाजार अपनी अच्छाइयों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन समझते हैं और हम उसी हिसाब से दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया हमें एक्नॉलेज करे और दुनिया हमारा हमें सपोर्ट करे डोन्ट एक्सपेक्ट अदर्स टू टेक एज मच इंटरेस्ट एंड यू एज यू डू योर सेल्फ आपको अपने अंदर जितनी इंटरेस्ट है दुनिया इतनी इंटरेस्ट नहीं लेगी लिहाजा आपको उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए डोंट थिंक दैट मोस्ट पीपल गिव इनफ थाट टू यू टू हैव एनी स्पेशल डिजायर टू प्रोसिक्यूट यहाँ पर यह कहता है कि आप इतने अहम नहीं हैं कि दुनिया अपना टाइम आपके लिए लगाए और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हुए कि कोई दूसरे जो हैं वो अपना काम छोड़ के आपके पीछे लग पड़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर है फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन इज मोर टायरैनिकल टू दोस हु फियर इट ट्राई टू बी इन हार्मनी विद योर सराउंडिंग्स इट इज गुड टू बी इंडिफरेंट टू पब्लिक ओपिनियंस फॉर हैप्पीनेस एंड स्ट्रेंथ हैव द कंपनी ऑफ पर्संस हैविंग सिमिलर टेस्ट एंड ओपिनियन अच्छा ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम अक्सर देखते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे वो यहाँ पर बटल एक खूबसूरत बात करता है कि ये ज़्यादा हर्ट उन्हीं को करती है जो इससे खौफ ज़िदा होते हैं और जो लोग इसको इसकी केयर नहीं करते वो बहुत अच्छा करते हैं और आप जो है दुनिया के निज़ाम के साथ यू शोड ट्राई टू बी हारमनी विद योर सराउंडिंग मतलब आप कोई ऐसा काम करें ही ना जिससे आप पब्लिक आउटरेज का शिकार हों तो ये ए, इस किताब के अंदर उसने आ, जो है वो कागज ऑफ़ अनहैप्पीनेस डिस्कस किए हैं आज हम अपनी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं अगली पार्ट में पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे कागज ऑफ हैप्पीनेस टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफ